हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डीके टेक्निकल सोनी में। आज मैं एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ। यह वैकेंसी है कोल इंडिया में। तो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, यहाँ कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2019 है। 1326 पोस्ट है। ये मैनेजमेंट और ट्रेनिंग की पोस्ट है जिसको एमटी बोलते हैं। वैकेंसी की लास्ट डेट है वो है 19 जनवरी 2019 है। तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या है कि यहाँ लिखा हुआ कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2019। यहाँ इसमें है कोल इंडिया एमटी वैकेंसी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 1326 मैनेजमेंट ट्रेनी जिसको एमटी बोलते हैं। वैकेंसी 2019 है। इसकी क्वालिफिकेशन है वो BE/BTech/MBA/CA पास्ट कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन सीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ओपनिंग है। तो इसके बारे में हम चलते हैं आगे कि इसमें क्या है। तो यहाँ देखिए कि कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्वायरमेंट 2019 की डिटेल्स है कि पोस्ट नेम में मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी, नेम नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसी है 1326 है। पे स्किल आपको 50,000 पर मंथ मिलेंगे। यहाँ कैटेगरी वाइज दे रखा है डिटेल्स। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पोस्ट है उसमें माइनिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कोल प्रिपरेशन है, सिस्टम्स है, मटेरियल्स मैनेजमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, फिर पर्सनल एंड एचआर है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, इसके अलावा कम्युनिटी डिपार्टमेंट है। ये तो थे इसकी डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ देखिए जनरल और यूआर, इसमें वैकेंसी 117 है माइनिंग में। इसके अलावा जनरल की ही इलेक्ट्रिकल में 89 है, फिर मैकेनिकल की इस जनरल में 93 है, सिविल की 22 है, कोल प्रिपरेशन की 11 है, सिस्टम्स की 18 है, मटेरियल्स मैनेजमेंट की 12 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 70 है, पर्सनल एंड एचआर की 35 है, इसके अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स की 7 है, कम्युनिटी डिपार्टमेंट की 11 है, इसके अलावा EWS की 29 है माइनिंग में, इलेक्ट्रिकल में 22 है EWS की, मैकेनिकल में 26 है, सिविल की 7 है, कोल प्रिपरेशन की 2 है, सिस्टम्स की 5 है, मटेरियल मैनेजमेंट की 2 है, फाइनेंस अकाउंट की 26 है, फिर पर्सनल एंड एचआर की 8 है, मार्केटिंग एंड सेल्स की 2 है, कम्युनिटी डिपार्टमेंट की 3 है। इसी प्रकार से SC में है तो SC में माइनिंग की 43 है, इलेक्ट्रिकल की 32 है, मैकेनिकल की 42 है, सिविल की 14 है, कोल प्रिपरेशन की 5 है, सिस्टम की 7 है, मटेरियल्स मैनेजमेंट की 4 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 38 है, पर्सनल एंड एचआर की 14 है, मार्केटिंग एंड सेल्स की 3 है, कम्युनिटी डिपार्टमेंट की 4 है। ये SC की पोस्ट है। इसके अलावा ST की है, इसमें माइनिंग की 22 है, फिर 16 है, फिर मैकेनिकल की 27 है, सिविल की 6 है, कोल प्रिपरेशन की 3 है, सिस्टम्स की 3 है, इसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट की 2 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 32 है, पर्सनल एंड एचआर की फाइनेंस अकाउंट्स की, इसका पर्सनल एंड एचआर की 8 है, मार्केटिंग एंड सेल्स की 2 है, कम्युनिटी डिपार्टमेंट की 1 है। इसी प्रकार से OBC है तो OBC की माइनिंग में 70 है, इलेक्ट्रिकल की 59 है, मैकेनिकल की 70 है, सिविल की 19 है, कोल प्रिपरेशन की 7 है, सिस्टम्स की 13 है, मटेरियल मैनेजमेंट की 8 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 68 है, पर्सनल एंड एचआर की 24 है, मार्केटिंग एंड सेल्स की 9 है, डिपार्टमेंट की 7 है। टोटल पोस्ट यहाँ माइनिंग की है वो 288। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की है वो 218 है, मैकेनिकल की है 258 है, इसके अलावा सिविल की है 68 है, कोल प्रिपरेशन की 28 है, सिस्टम्स की 46 है, इसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट की 28 है, इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 254 है, इसके अलावा पर्सनल एंड एचआर की 89 है, मार्केटिंग एंड सेल्स की 23 है, कम्युनिटी डिपार्टमेंट की 26 पोस्ट है। कुल पोस्ट है 1326। यहाँ नीचे और दे रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि माइनिंग के लिए आपको एजुकेशन आपकी BE/BTech/BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी में। इसके अलावा कोल प्रिपरेशन में आपको BE फिर BTech/BSc इंजीनियरिंग इन केबल फिर माइनर इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स हैं, एज आपकी वही 30 ईयर्स है। सिस्टम्स में आपको BE BTech BSc इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT और MCA विथ मिनिमम 60% मार्क्स है, एज आपकी 30 ईयर्स है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट में आपको इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर फुल टाइम MBA होना प्रोग्राम होना जरूरी है। इसके अलावा PG डिप्लोमा होना जरूरी है 2 ईयर का। इसके अलावा मैनेजमेंट विथ मिनिमम मार्क्स 60% होने जरूरी है। इसके अलावा फाइनेंस अकाउंट में आपको क्वालिफाइड CA या ICWA होना जरूरी है। इसके अलावा पर्सनल HR में आपको ग्रेजुएट विथ ए लास्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या PG डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट या प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन HR इंडस्ट्रीज रिलेशन होना जरूरी है। फिर पर्सनल मैनेजमेंट और MHROD और MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन HR मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी, एज लिमिट वही 30 ईयर है। इसके अलावा आपको मार्केटिंग एंड सेल्स में रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विथ 2 ईयर फुल टाइम MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर होना जरूरी है और इसमें 60% मार्क्स आपको चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी डिपार्टमेंट में वो मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कम्युनिटी डिपार्टमेंट एंड रूरल डिपार्टमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डिपार्टमेंट रूरल एंड ट्राइबल डिपार्टमेंट में आपको 60% मार्क्स होने जरूरी है। एज क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1/4/2020 से कैलकुलेट होगी। इसके अलावा यहाँ आगे है कि एप्लीकेशन फी कोल इंडिया MT नोटिफिकेशन 2019 में है कि फॉर UR OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, यानी 1000 रुपये। और ये SC ST PWD कैंडिडेट के लिए नो फी, यानी कोई फी नहीं है। पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पे आउट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो ये यहाँ लिखा हुआ कि फॉर्म स्टेबल ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 दिसंबर 2019 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तब जाकर ये लिंक यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट है वो इस फॉर्म की है वो 19 जनवरी 2019 है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑन फी की है 19 जनवरी है 2020। इसका डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आप 27 से 28 फरवरी के बीच आप ये टेस्ट दे सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन आप क्लिक करके नोटिफिकेशन पे जा सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ लिखा हुआ है, लिंक एक्टिवेट ऑन 21 दिसंबर को ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ आकर आप इसका जो लिंक है इस पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, व्यू बुक मंगा सकते हो यहाँ से। सिविल रिक्वायरमेंट 2020 ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ जा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ इसका नोटिफिकेशन देखना चाहो तो यहाँ लिख रखा है कि डिटेल नोटिफिकेशन लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है जाएगा, ये देखिए यहाँ ओपन हो जाएगा ये आपका नोटिफिकेशन। ये देखिए ये रहा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए कोल इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी 01/2019 कोल इंडिया लिमिटेड नोटिफिकेशन है। यहाँ आप देख सकते हो कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ सैटरडे 21/12/2019 को फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 AM। इसके अलावा लास्ट डेट यहाँ दे रखी है कि संडे 19/1/2020 11 PM तक है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम थर्सडे 27/2/2020 एंड फ्राइडे 28/2/2020 को यहाँ ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा वही नोटिफिकेशन है, आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।